तन समर्पयामि श्री रामचंद्राय का दर्शन है। आप सभी से आग्रह है, आप अपने हाथ जोड़ ले और चलते हैं सभी मिलकर। आज की कार्य हम ओम मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं, उसके पश्चात हम सभी परमात्मा को भोग लगाएंगे और उसके पश्चात आज की कथा हम पुनः एक बार फिर आगे लेकर बढ़ेंगे। बोलिए अपने अपने
Ah!
दोस्तों साथियों, अगर आप अपने घर से मेवा मिष्ठान परमात्मा के लिए लाए हुए हैं चढ़ाने के लिए, आप सभी आगे बढ़ जाए और चलते हैं सभी मिलकर भोग गीत के द्वारा आज के परमात्मा को हम भोग लगाएं। परमपिता परमात्मा से विनती करो कि हे भगवान, आप ही का दिया हुआ है और आज आप ही को हम अर्पण करने जा रहे हैं। हे भगवान, इस मेवा मिष्ठान इस प्रसाद बनाने में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां रह गए हो भगवान, तो हमें अपना ही बच्चे जानकर क्षमा करना। चलते हैं सभी हमारे साथ देखें। राम रसिया मुरे मन बसिया, Oh,
साथियों आप सभी अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं और आगे अब हम परमात्मा की मंगलाचरण करेंगे। इसके पश्चात हम आज की कथा लेकर आगे बढ़ेंगे। Thank you.
प्यारे भक्तजन, एक बार फिर आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रमन भजन पाग मंडली की ओर से पुनः सुस्वागत और मंडली की ओर से आप सभी को धन्यवाद है। और आपके ज्यादा समय ना लेंगे हम। आज की कथा पुनः बालकांड की है। और जब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं गाध सुवन को की आगमन यही पंचम विश्राम, वद स्वभाव को कीन जिमी पूरे सब मन काम। बोलिए रामायण महारानी की जय। यानी कि कथा उसी जगह की है जब याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भरद्वाज से, यह सब चरित मैंने कहा और अब अगली कथा मन लगाकर सुनना। महर्षि विश्वामित्र महाज्ञानी वन में सिद्ध पीठ आश्रम में वास करते हैं। इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहते थे और विनती करते थे दोनों भाइयों के ले जाओ। यद्यपि विश्वामित्र अपने तप के प्रभाव से उन राक्षसों को मारने के समर्थ थे, परंतु दाज वर्ष के यज्ञ कर रहे थे। आज की दोहा पुरा देहु भूप मन हरिषता तजय मोह अज्ञान, धर्म सुयश नृप तुमा कहा इन कहा अति कल्याण। बोलिए रामायण महारानी की जय। कि हे राजन, मन में प्रसन्न हो, अपने पुत्रों को दो और या कैसे राक्षसों को मारेंगे या मोह अज्ञान छोड़ दो। आपको इसमें धर्म और यश मिलेगा तथा इनको भी कल्याण अर्थात विजय और पत्नी मिलेगी। तो दोस्तों साथियों, चलते हैं आज की पहला चौपाई हम यहीं से आगे लेकर बढ़ते हैं। और आशा है सभी शांत पूर्वक हमारे साथ। Yeah.
ठीक है प्यारे भक्तजन, क्या होता है कि कल की जो कथा है पंडित जी ने यहाँ विश्राम किया है, उससे हम वहीं से लेकर आगे चल रहे हैं। विश्वामित्र जी की कथा है। विश्वामित्र जब आते हैं अयोध्या में राजा दशरथ के पास, क्योंकि उन्हें राक्षसों सुबाहु और मारिच बहुत तंग करते थे। जब भी वो यज्ञ करते थे तो वो क्या करते थे कि जो बड़े बड़े हड्डियां है, यानी कि मांस इत्यादि है और खून इत्यादि है, वो सब लाकर हवन यज्ञ में डाल देते थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि ये पूरा हो। और विश्वामित्र जी जानते थे कि मैं इनको अपने तप और बल से नाश कर सकता हूं, क्योंकि विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष का जो तब जो यज्ञ है वो कर रहे थे, तो उसमें किसी भी तरह की कोई नाराजी या हम कहते हैं गर्म भाव का दिमाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ असफल हो जाएगा। तो मन में हृदय में विचार करते हैं कि इनका नाश कैसे हो सकता है। तो मन में यही विचार करा कि इनका नाश जो है वो नारायण ही कर सकते हैं, और फिर विचार किया कि नारायण तो स्वयं अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्मे हुए हैं, तो क्यों नहीं हम अयोध्या ही चले जाते हैं और वहां जाकर दो ही एक लालसा थी कि प्रभु के दर्शन भी पाएंगे और राजा से राम और लक्ष्मण दो भाई दोनों को मांग कर लाएंगे इन राक्षसों का संहार करने के लिए। तो विश्वामित्र जी आते हैं, अयोध्या के सीमा पे आ जाते हैं, दूत से कहते हैं कि जाकर राजा से बताओ कि विश्वामित्र जी आए हैं। दूत ने जाकर राजा को बताया, राजा ने अपने सभी जितने भी मंत्रीगण हैं उन सब को लेकर आकर राजा ने विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत किया, चरण कमल से धुलाया और फिर लाकर आसन पे बैठाया, अपने आसन पे बैठाया, फिर पूछा किस कारण आपका आगमन हुआ है। तो राजा ने कहा कि पहले तो आप कुछ कंदमूल फल भोजन कर लीजिए स्वामी जी, फिर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। तो सब कुछ हो गया, तब राजा ने फिर से पूछा किस कारण आपका आगमन हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने कहा पहले वचन दो, क्योंकि वो जानते थे कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा ने कहा विश्वामित्र जी से, मांगो क्या चाहते हो, अब जो मांगोगे मैं दूंगा। तो बहुत देर के बाद तो कहा मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। जैसे ही ये दो शब्द सुने तो राजा ने धड़ाम से यानी कि जमीन पर गिर गए, कहा हे मुनिवर कुछ और मांग लो, जितने भी आप पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लो, श्रुता सहित वह सत्य सकल हो जा कहता हूँ, आज सब दे सकता हूँ। देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं है, वह भी है मुनि,
एक पल में दे सकता हूँ। मेरे अगर प्राण भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा, मगर मेरे जो राम और लक्ष्मण उनको मत मांगो। फिर क्या होता है, कुल गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी बताते हैं कि जिससे तुम इतना मोह करते हो वो राम स्वयं नारायण के अवतार है, वो राज करने के लिए नहीं आया है, उनका बहुत से कार्य करना है। तब तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर सब में कहा, अति आतर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ शुद्ध दहूं, तुम मुनि पिता आन नहीं कहूं। तब राजा ने अति आदर से दोनों बेटे को बुलाए और हृदय में बहुत भांति सिखाया, हे नाथ या दोनों पुत्र मेरे प्राण है, अवतार हे मुनि ये मेरे प्राणों के स्वामी है, पर अब इनके पिता आप हो और कोई नहीं। तो यहाँ पर राजा दशरथ प्रभु राम और छोटे भैया लक्ष्मण को अब विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं, कहते हैं कि आज से यही तुम्हारे माता पिता है, जो भी ये कहेंगे गुरुवर उनका सदा आदर करना और मानना। तो दुआ में होता है, सौपे भूप ऋषि ही सुता बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष, बोल शिव रामचंद्र की जय। राजा ने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए, बहुत प्रकार से आशीष दी। तब भगवान माता के घर गए और चरणों में शीर्ष नवाकर चले। पुरुषों में सिंह के समान दोनों वीर मुनियों के भय दूर करने के प्रसन्नता चले, जो कृपा के समुद्र मति के धीर तथा समरक संसार के साधन है। यानी कि जाने से पहले दोनों भाई अपने माँ के कष्ट में गए, उनका आशीष ली, तब मुनि के संग में चले। चले देखते हैं आगे चौपाई में तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं। ये कहीं पाने का
चलत विदा कीन हनुमाना मिलहो वनै कहो भगवाना अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जल तनु श्याम तमाला। यहाँ पर हनुमान जी की कथा आती है। हनुमान जी को प्रभु राम ने जब वो छोटे पे थे तो कहा था अब तुम जाओ किष्किंधा में वास करना, मगर उससे पहले हनुमान जी क्या करते हैं जो अयोध्या की सीमा है उस पर जाकर वहां पर क्या करते हैं वहीं पर रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रभु राम वन को जाएंगे, उससे पहले विश्वामित्र जी का आगमन होगा, वहां से भी उनको मिलेंगे। चलने के समय भगवान ने महावीर जी को विदा किया और कहा कि मैं वन में आ मिलूंगा। लाल नेत्र हृदय और बड़ी बोली नील कमल के समान और तमाल सम शाम शरीर है, यानी कि भगवान का जो रूप है वो अब वो राजा के जो समान है वो नहीं है, क्योंकि उनके कमर में पीला दुपट्टा कसे सुंदर तरक से सके तथा शोभामय धनुष बाण दोनों हाथों में है, शाम और सुंदर तनु के दोनों भाई है, ऐसी विश्वामित्र जी ने महा संपत्ति पाई। यानी कि जब हनुमान जी उनको देखते हैं कि ये तो शायद कोई और है, पहचान ही नहीं पाते हैं, फिर ध्यान लगाकर जान लेते हैं कि यही तो मेरे श्री राम है। तब रामचंद्र जी ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, तुम जाओ किष्किंधा गांव में वास करो, जब मेरा वनवास होगा तब मैं तुमसे आकर वहां पर मिलूंगा। तो हनुमान जी चले जाते हैं, कीन विदा हनुमाना, तो प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को विदा करते हैं और हनुमान जी चल देते हैं। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना मोहित पिता तजो भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़ का क्रोध करिधाई। मुनि विचारने लगे कि प्रभु ब्राह्मणों को हितकारी साक्षात ईश्वर है, यह मैंने जाना क्योंकि मेरे कारण भगवान ने पिता को छोड़ दिया। मार में जाते हुए मुनि ने ताड़ का राक्षसी दिखाई दी जो देवताओं की क्रोध कर दौड़ी। मुनि के नाम लिए थी ताड़का ने सुन लिया था। अब हनुमान जी तो चले गए, अब दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी मन में यही विचार करते थे कि मेरे कारण जो प्रभु है वो तो स्वयं नारायण के अवतार है, उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया। मार में उनको ताड़का राक्षसी दिखाई दी, पर मुनि के नाम लेते ही ताड़का ने सुन लिया था। तो ताड़का जो थी बहुत ही विशाल थी, उन्होंने मुनि को देख लिया था शायद, इसलिए उन्होंने मुनि को नाम लेते ही ताड़का सुन लिया था। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निजपद दीना, तब ऋषि नित नाथ ही जिए चीना, विद्या नीति कहा विद्या दीना। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसका प्राण हर लिया और दीन जानकर उसको अपना पद दिया। कुमार कृष्ण पड़ाव के ताड़का भरी, तब ऋषि ने अपने नाथ राम को जाना। इससे याद होता है कि पहले श्री रघुनाथ जी को ईश्वर जानने में कुछ संदेह था, सो सब निश्चय जानकर विद्या निधि को विद्या सिखाने लगे। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं कि अभी भी विश्वामित्र जी के मन में कुछ संशय था
कि ये जो छोटे छोटे बालक रूपी है ये अगर ताड़का को वध करने में समर्थ रहेंगे कि नहीं। मगर प्रभु श्री रामचंद्र ने एक ही बाण से ताड़का का प्राण हर लेते हैं। जाते लागन सुधा पिपासा अतुलित बल तनेजो प्रकाशा, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में बड़े बल तथा तेज का प्रकाश हो, ऐसे श्री रामचंद्र जी का जो अवतार उनको विश्वामित्र जी समझाते। दुआ में आता है, आयुर्द स्वर समीक्त पे प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति जानी। बोले शिव रामचंद्र की जय। संपूर्ण आयु श्री रामचंद्र जी को समर्पण कर श्री उनको अपने आश्रम ले गए और भक्ति हितकारी जान कंद मूल फल भोजन करने को दिए। मार में एक आश्रम आता है जहां पर जाकर ये तीनों जो है प्रभु श्री राम, छोटे भैया लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, ये जाकर वहां पर कंद मूल और भोजन करते हैं। कहां पर करते हैं इसमें हम आगे चौपाई में सुनेंगे। बोले श्याम राम चंद्र भगवान की जय। श्री विष्णु अवतारे प्रभु राजा
विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, कंदमूल फल खाया, फिर प्रभु राम जी ने कहा, प्रातः काह मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक्खी रखवारी। यानी कि प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि अब आप जाइए और निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। मुनि गम होम करने लगे और आप यज्ञ की रखवाली में नियुक्त रहेंगे। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने अब कहा विश्वामित्र जी, अब जाकर आप निर्भय होके जो अपना यज्ञ है उसको पूरा कीजिए और मैं और मेरे छोटे भाई यानी कि प्रभु राम और लक्ष्मण आपकी यज्ञ की रखवाली में नियुक्त रहेंगे। सुनी मारिच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु पर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा। या सुनी मारिच क्रोधी निशाचर सेना सहाय लेकर दौड़ा, वह मुनियों का बैरी था, श्री रामचंद्र जी ने बिना फर का बाण उसको मारा, वह समुद्र पार लंका में 400 कोसों पर जाकर गिरा। यह 400 कोस समुद्र का पार जानना
पृथ्वी पृथक रही। समाचार मिला किसको? मारिच को। मारिच जैसे ही सुना कि कोई यहाँ पर आया है इनकी रखवाली करने के लिए, वो सीधा अपने जितने भी गण सबको लेकर दौड़ा। पर प्रभु रामचंद्र जी फिर अग्नि के बाण द्वारा सुभाव को मारा और लक्ष्मण जी के राक्षसों के कटकं का संहार किया। श्री रामचंद्र जी ने मारिच को मारा और लक्ष्मण जी ने सुभाव को मारा। तहां पुनि कछुक दियो से रघुराया, कहे कीन विपन पर दाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहीं वृत यद्यपि प्रभु जाना। फिर वहां कुछ दिन श्री रामचंद्र जी रहे और ब्रह्मा ओम पर दया की। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं तो भी भक्ति के कारण उनके कथा पुराण ब्रह्मा कहते हैं। तब विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी से आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे नाथ, एक चरित चल कर देखिए। राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के संग चले। मार्ग में एक आश्रम देखा जहाँ कोई खप मृत जीव जंतु नहीं थे। वहां एक शिला पड़ी हुई देखकर प्रभु ने विश्वामित्र जी से पूछा। तब ऋषि ने संपूर्ण कथा वेश पूर्ण से वर्णन किया, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं कि मारिच और सुभाव का वध करने के बाद प्रभु रामचंद्र जी कुछ दिन तक गोस्वामी माफ कीजिएगा विश्वामित्र जी के साथ वहीं पर रहे। जब समाचार मिला कि जनकपुर में कि धनुष यज्ञ सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से संग चले। विश्वामित्र जी को समाचार मिला कि विदेही नगरी में एक धनुष यज्ञ होने वाला है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जानते थे कि आगे क्या होने वाला, क्योंकि वो नर अवतार थे तो इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम में वहीं तक काम करते थे जहां तक उनकी सीमा थी। आश्रम एक दीक मग माही, मार में एक आश्रम देखा जहां कोई खर मूर्ख जीव जंतु नहीं थे। वहां एक शिला पड़ी हुई थी देखकर प्रभु ने विश्वामित्र जी से पूछा। तब ऋषि ने संपूर्ण कथा विश्वामित्र सुनाया। ये जो कथा है इसका वर्णन हम कल करेंगे। तो आप तो प्यारे भक्तजन, आज की जो कथा है यही पर हम विश्राम देते हैं। आपसे यही आशा करते हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा कीजिए और आगे का कार्य चले। भाई परिणत धन्यवाद भाई श्री। एक बार फिर प्यारे भक्तजन आप सभी को धन्यवाद। आज को कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल परमात्मा श्री रामचंद्र जी जनक नगरी में पधारपण करेंगे, तो उसकी भी कथा आप श्रवण करने के लिए जरूर पधारपण कीजिए। और आप सभी से आग्रह है थोड़ी देर के लिए आप सभी का खड़े हो जाएं और चलते हैं सभी मिलकर अब श्री रामचंद्र जी का हम आरती करते हैं। और अगर पति पत्नी साथ में हैं तो जरूर दोनों साथ में होकर परमात्मा की आरती करें। Oh,
I'm
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, 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 Hare Hare,
बोले राम हरे महारानी की जय। कपूर बाल बच्चों का कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं मुनिये सारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुण ध्वजा मंगलं पुनरिकाक्षो मंगलाये तन्महरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरद्रे अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ठीक कर भक्तजन, आप सभी अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं। जब तक आरती आप सभी के पास आ रही है, हमारे समक्ष में हमारे भाई श्री भैया संजीव नारायण जी उपस्थित हुए हैं, उनके मुखारविंद से दो चार ज्ञान की बात आज हम सुन लेते हैं। इसके पश्चात हम शांति पाठ और प्रसाद वितरण करेंगे। तो भाई संजीव जी आगे बढ़े हैं। सबसे पहले आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति रामायण भजन पार्क मंडी की ओर से हर साल आप लोग आते हैं, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। थैंक यू, आपने निमंत्रण स्वीकार किया और आप आए यहाँ पर। इसी तरह से आप पूरे दिनों तक आते हैं। पूज्य पंडित जी, जिस तरह से यहाँ पर रामायण कथा जो है उसकी वाचना करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो आप ज़रूर आइएगा, आपको ज़रूर आनंद आएगा। इन 9 दिनों में वैसे तो पूजा हर रोज़ हम करते हैं, लेकिन ये जो समय होता है रामनवमी का बहुत ही पावन पर्व होता है। ऐसे में भगवान यहाँ पर इतना स्मरण हम कर देते हैं कि साक्षात भगवान यहाँ पर हर रोज़ हमारे बीच में होते। कहते हैं कि आपने सुना होगा वो कथा कि किस तरह से हनुमान जी रामायण महाराजी का पाठ जो होता था तो सुनने के लिए पीछे बैठकर सुना करते थे, बहुत ध्यान से नित्य दिन आया करते थे। और वैसा ही आज यहाँ पर कौन जाने किस रूप में कहाँ पर है, शायद साक्षात हनुमान जी हमारे समक्ष में होंगे यहाँ पर विराजमान। तो उनकी आशीष, उनकी कृपा यहाँ पर हम सफर पड़ेगा। तो ऐसे में यही है कि हर रोज़ आते रहें, इसी तरह से बहुत ध्यान लगा कर कथा आप श्रवण करें। एंड हम जानते हैं कि इससे आपका जो जीवन है वो जरूर बहुत बहुत सफल होगा। अभी आगे और भी बात करना है, मतलब अभी बहुत शायद बाकी है, मंदिर तक अभी बात करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से आप सभी। प्रकाश जी उधर पीछे बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत सम्मान करते हैं, और आप सभी जो प्रेमी धर्म प्रेमी हैं आप सभी का एक बार फिर से पुनः यहाँ पर स्वागत है। और थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद भाई श्री। राम कहे सुख जे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सो गोराय। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री राम चंद्र भगवान की जय। ठीक है दोस्तों साथियों, एक बार फिर श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन पाक मंडली की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। जो कोई भी मल्ली को अभी तक सहयोग दिया है, फूल पात धन से टिकट खरीदने से, तो मल्ली की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे ही सहयोग आप सभी देते आएंगे,
देखिए ये पंडाल जो हम लगाए हैं ये खुद मंडली का ही नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का है, ये आप सभी का है। तो इसमें आप परमात्मा के लिए भोजन से लेकर फूल पात और कुछ भी अगर आप चढ़ाना चाहे लाकर दक्षिणा कुछ भी, तो आप की कोई रुकावट नहीं है। किसी प्रकार की मंडली को सहयोग देना चाहते हैं अपने तरफ से आप दे सकते हैं, किसी भी मेम्बरान से आप बात कर सकते हैं। रेफर टिकट हम लगाते हैं हर रात की 100 हर रात्रि को, और ये टिकट हम क्यों लगाते हैं इसका रेफर ड्रॉइंग करते हैं क्योंकि ये जो होल हम हाया करते हैं 9-10 डेज के लिए, इनका खर्च उन्हीं में से हम लिखा कर उनको फिर इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर चाहें तो रेफर टिकट जरूर लिए और मंडली को जरूर सहयोग दीजिए। आप सभी के लिए एक बार फिर आज शाम की भोजन प्रबंध है, जरूर भोजन कर और घर को जाइए और जरूर कल शाम को जरूर आना। धन्यवाद। अंत में मंडली की ओर से जय श्री सीताराम। लाइव चलत रहा है, लाइव चलत रहा है, इधर ऑफ ना करो यार।